Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And first of all, guys, I'm really, 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 really sorry for not being active on YouTube. कितनी बारी बोलूँगा मैं. But anyways, अभी जस्ट मैं उठा हूँ and you must have read from the title कि आज क्या आने वाला वीडियो में. वो आगे करते हैं ना, वेट करो थोड़ा. Because I'm so excited for that. अभी तो मैं जस्ट उठा हूँ. I just woke up and having my protein shake and थोड़े ना मैं eggs boil करने रख रहा हूँ. के अंदर मैं डालूंगा एग्स. अभी मैं पहले करूंगा ब्रेकफास्ट, मैं फिर रेडी होऊंगा, फिर हम शुरू करेंगे अनबॉक्सिंग. सो गाइस, मिलता हूं आपको रेडी होके. सो गाइस, मैं हो गया हूं रेडी एंड आई एम गुड टू गो फॉर द अनबॉक्सिंग. सो गाइस, अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दूं, मिकुल फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months से ना स्ट्रीट वेयर, क्लोथिंग, स्नीकर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जा चुका है मेरा. एंड लाइक आई एम क्रेजी अबाउट स्नीकर्स. मैंने बहुत ज़्यादा स्नीकर्स ले लिया है. आई नो यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी फॉर अ स्नीकर हॉल और यू कैन से माई स्नीकर कलेक्शन वीडियो. गाइज वो भी जल्दी आएगा. वो मैं तब वीडियो पोस्ट कर पाऊंगा बिकॉज जब मैं वापस मुंबई चल जाऊंगा, बिकॉज हाफ ऑफ माई कलेक्शन इज इन मुंबई एंड द न्यू वंस आर हेयर इन अमृतसर. सो गाइज, यू हैव टू वेट फॉर दैट. मुझसे भी वेट नहीं हो रहा कि मैं अपने मुंबई वाले स्नीकर्स को कब पहनूंगा. मेरे को तो याद भी नहीं है कौन से हैं मेरे पास मुंबई में. एंड द वन विच आई एम गोना शो यू राइट नाउ, आई एम नॉट गोना शो यू वन, आई एम गोना शो यू टू स्नीकर्स. एंड उसमें से एक 1 week पहले ही रिलीज हुआ है. लकीली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दैट वन एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वेयर दैट शू. फोटोज खींचूँ उसमें. यू विल गेट टू सी दोज फोटोज वेरी सून ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड अभी तो आप शूज़ देख ही लोगे. एंड गाइज, वन मोर थिंग, जैसे ही मैं वो शूज़ बाय करने जा रहा था, आई रेड स्टैट्स अबाउट दो शूज़, लाइक वो शूज़ के कितने पेयर्स इंडिया में आए हैं. एंड लाइक मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू स्टैट्स वो पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही शूज़ है. लाइक आई लिव इन अ वेरी स्मॉल सिटी अमृतसर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट. पूरे पंजाब में ये सिर्फ 1 shoe है एंड बाकी मुंबई में है एंड बैंगलोर एंड हैदराबाद एंड दिल्ली. बट इन पंजाब देयर इज ओनली 1 shoe राइट नाउ एंड यू विल गेट टू सी दैट शू. मेरे को पता है आपसे वेट नहीं हो रहा होगा मैं किस शू के बारे में बात कर रहा हूँ. या I'm gonna show you right now कि वो कौन सा शू है. करते हैं शुरू. किस चीज़ की देरी, मैं दोनों पेयर्स यहाँ पे रख देता हूँ. आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू ओपन दी शूज. सो गाइज, ये रहे जिनकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ. माई टू मोस्ट वॉन्टेड शूज. मोस्ट वॉन्टेड या जो भी इसको ढूंढेगा उसको $10,000 का इनाम. जस्ट kidding. गाइस, ये मैं शूज़ कब से चाहता था, स्पेशली दिस वन. ये तो एक 1 week पहले लॉन्च हुआ है तो मैंने कहा अगर मेरे को मिल गया तो क्यों ना लिया जाए. तो लकीली मेरे को मिल गया ये एंड फ्रॉम द बॉक्स यू कैन गेस कौन सा शूज़ है ये. एंड आपको ब्रांड्स तो पता चल ही गए हैं कि कौन से ब्रांड्स हैं. ऑब्वियसली दिस इज़ नाइकी एंड दिस इज़ एडिडास. कौन सा शूज़ पहले खोला जाए, जल्दी बताओ. हाँ बेटी, क्या कौन सी गेम खेले? इंकी पिंकी पोंकी. ओके, इंकी पिंकी पोंकी, वेयर इज योर टोंकी. मेरे को इंकी पिंकी पोंकी नहीं आता यार. शिट, कोई और स्टोरी, कोई और बताओ ना जल्दी. अच्छा वो वाला, ठीक है. लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा 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 तुम दबा के दौड़ा. एंड गाइज, अभी मैं बोलने जा रहा हूँ ये वाला शूज इसको रखते हैं साइड पे. एंड आई गाइस एक्साइटेड टू सी दिस. यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड इसको खोलने में. लेट्स ओपन इट. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अभी खुल भी नहीं रहा. कितनी पैकिंग करके भेजा है. मेरा दिल बहुत ज़्यादा ना, बिकॉज ये मैं कब से वेट कर रहा था, स्पेशली दिस वन. ये मैंने ना जब लॉन्च हुआ था मैंने तब तो लिया नहीं था बिकॉज इट वॉज वे टू एक्सपेंसिव एट दैट टाइम.
उसके बाद थोड़ा सा इसका प्राइस गिरा, बट नाउ इट्स स्टिल एक्सपेंसिव. Guys, ये मैं आपको खोलने के बाद बताऊंगा कौन सा मॉडल है. And, here we go. Woo! Yes! Guys, you can see this shoe. This is the one that I actually wanted from so long. I'm just loving this. You can see the color. I mean, wow. यार मजा आ गया यार शू देख के. Wow, yeah. So guys, these are Air Jordan 1 Zoom Racer High Tops. You can see the detailing. कितना प्यारा शू है, मतलब I really like the color and all इसका. तो ये मैंने शूज ना इसलिए लिखा है बिकॉज वन रीजन ये था कि दीज आर मोर लुक लाइक एयर जॉर्डन 1 डियोर, मतलब दूसरे यू कैन से दीज आर ऑलमोस्ट सेम लाइक एयर जॉर्डन 1 डियोर, बट वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शू है. लकीली अगर मेरे को वो रिटेल पे भी मिल जाएगा तो इट्स वे टू एक्सपेंसिव बिकॉज उसका रिटेल इज 2.5 lakhs. व्हाट, बट एनीवेज कभी लेंगे जल्दी उसको. दिस आई गॉट फॉर अराउंड 25-26k. इसका मार्केट में प्राइस Zoom Racer Blue. So it's going for 52,000, almost double. I'm very happy कि मेरे को ये शूज मिल गया. एंड आई थिंक इसका प्राइस थोड़ा और बढ़ेगा जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज ये डिमांड में आएगा. एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वेयर दिस. एंड इसमें भी फोटोज खींच के पोस्ट करूंगा गाइस जल्दी इंस्टाग्राम पे, यू विल गेट टू सी ऑल दोज पिक्चर्स. इसके साथ मेरे को लेसिस भी मिले हैं रेड कलर के, एंड आई थिंक इसके साथ ब्लू लेसिस भी हैं जहाँ तक आई नो. शायद ब्लू लेसिस नहीं है क्या? ओह नो, तो इसके साथ ओनली रेड लेसिस हैं. बट आई बाय अ ब्लू लेसिस जो कि इस कलर के सेम रहेंगे. वन क्रेजी पेयर इज एडेड टू माई कलेक्शन, एंड इससे भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला नेक्स्ट शूज. आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज वो पहला शू है मेरी कलेक्शन में जिसको मैंने लाइक लॉन्च होते ही ले लिया है विद इन अ वीक और कह लो 10 days में. एंड इसको रखते हैं अभी साइड पे. किसको किसको पता चल गया कौन सा शूज है. ये वीडियो आगे देखने से पहले, इफ यू गाइस न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज आपको उससे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे. सो लेट्स अनबॉक्स दिस शू. कहाँ पे है कटर्स? सो गाइस दिस इज Adidas Yeezy. आपको बॉक्स से पता चल गया ऑब्वियसली दिस इज Adidas Yeezy 700, बट एग्जैक्ट मॉडल आपको मैं शूज खोलने के बाद बताऊंगा कि ये कौन सा एग्जैक्ट मॉडल है. बट जैसे मैंने बताया कि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो सम स्नीकर हेड जो काफ़ी स्नीकर से प्यार करते हैं मेरी तरह, उनको पता लग गया होगा कि रिसेंटली कौन सा लॉन्च हुआ है. सो गाइज दिस इज Adidas Yeezy V3 ब्लू एजरेथ. ये रिसेंटली गाइज लॉन्च हुआ है एंड लकीली मेरे को ये शू मिल गया है. एंड आई मीन वाओ, लुक एट दिस शू, इट जस्ट गिव यू एलियन फील कि मतलब एलियन के पैर हैं अगर ये डाल दिया किसी ने तो. आई मीन वाओ, डिड यू लाइक दिस शू? क्योंकि ये तो मुझे बहुत प्यारा लगा है शूज. एंड ब्लू में Adidas ने 700 फर्स्ट टाइम निकाला, लाइक अभी तक का मोस्ट एक्सपेंसिव शू मेरी वार्डरोब में है ये Adidas Yeezy V3 ब्लू एजरेथ. राइट नाउ इसका प्राइस इज गोइंग अराउंड, लेट मी चेक, इसका प्राइस इज अराउंड 55,000 इतना. सो गाइस आई एम हैप्पी कि मुझे मतलब मिल गया ये शूज. एंड आई नो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा राइज होने वाला है बिकॉज ये अभी लॉन्च हुआ है. एंड गाइज आई मीन वाओ यार, कितने प्यारे शूज हैं यार. सो गाइज ये थे मेरे टू न्यू रिसेंट शूज जो मैंने अभी अभी परचेज किए हैं. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन दोनों में से कौन सा शू अच्छा लगा, एंड अगर आप बाय करने जाओगे तो कौन सा प्रेफर करोगे, Adidas और Nike? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है वेरी सून.
मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट स्नीकर वीडियो में वो पता चल जाएगा सरप्राइज की वो सरप्राइज क्या होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.